हेलो गाइस व्हाट्सअप, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में जो बिगनर हैं, जो नए भाई हैं, वो गियर शिफ्टिंग के बारे में कंफ्यूज होते हैं। उन्हें गियर शिफ्टिंग करके दिखाता हूँ रोड पर गाड़ी चला के कि कैसे क्या गियर शिफ्टिंग करी जाती है। तो चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम खराब करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई वीडियो एंड तक देखना। तो ये देखिएगा, सबसे पहले मैंने गाड़ी को फर्स्ट गियर में लगाया है। फर्स्ट गियर में लगाने के बाद आप मेरे पैरों की पोजीशन देखना। मैंने पहले क्लच को छोड़ना चालू किया ताकि गाड़ी कांपने लगे, उसके बाद ब्रेक छोड़ दिया, फिर क्लच को आराम आराम से पूरा देखिएगा गाड़ी चल पड़ी, मैंने रेस दी भी नहीं है। उसके बाद सेकंड गियर शिफ्ट करता हूं मैं। देखिए सेकंड गियर शिफ्ट करके क्लच को छोड़ के अब थोड़ी सी रेस दूंगा मैं, बिल्कुल हल्की सी वो भी, हाँ जी बिल्कुल हल्की सी। फिर उसके बाद स्पीड देखिएगा अब कितनी है मेरी स्पीड। मेरी है 20 से ऊपर। अभी सामने ब्रेकर है तो ब्रेकर पर देखना क्या कुछ पोजीशन रहेगी। पहले ब्रेक है, उसके बाद क्लच, गाड़ी को फर्स्ट गियर में शिफ्ट, क्लच को छोड़ के रेस, तुरंत सब कुछ छोड़ के नीचे सेकंड गियर शिफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्लच का तो काम ही नहीं है, सिर्फ रेस पर आपका पैर होना चाहिए। देखिए गाड़ी की स्पीड गाड़ी ने पकड़ ली है 20 की। अभी सामने दोबारा ब्रेकर है तो भाई थर्ड गियर लगा नहीं पा रहे, तो ऐसे ही रखो। और आरपीएम देखिएगा मेरा, मैं 2 से ऊपर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि भाई 2 से ऊपर जाती गाड़ी कुछ भी एवरेज देती है, गाड़ी की एवरेज टूटने लग जाती है। अब देखिए अब मैं तीसरा गियर लगाता हूँ और मेरी स्पीड देखिएगा अब कितनी है, 20 से भी नीचे है, लेकिन गाड़ी चल रही है भाई। एक तो कंपनी की जो टेक्निक है कि आपको बार बार गियर शिफ्टिंग ना करनी पड़े, और एक जो ड्राइवर स्किल होते हैं। अब देखिए मुझे मुड़ना है, मैंने सेकंड गियर करके इंडिकेटर देके, सबसे पहले आप अपने ओआरबीएम में देखें, उसके बाद ही गाड़ी को मोड़े। ये देखिए भाई, हाँ उसके बाद मोड़े, ये मोड़ दी है। अब दोबारा से आप देखिएगा ब्रेकर आ गया है, तो पैरों की पोजिशन देखिएगा मेरी कैसे चल रही है गाड़ी भाई, मतलब बंद नहीं होनी चाहिए है। तीसरा गियर में शिफ्ट करनी है गाड़ी को, तीसरा लगाया छोड़ दिया, क्लच तुरंत छोड़ दो फिर गाड़ी झटका नहीं मारेगी। उसके बाद एक्सेलरेट चौथा, और अब स्पीड देखिएगा 40 से भी नीचे, लेकिन चौथा गियर लगा दिया है। तो भाई यही छोटी सी वीडियो थी, जानकारी थी इसमें गियर्स के बारे में। वीडियो में जानकारी अच्छी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। धन्यवाद।